हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीवर्स में। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टॉप 10 सीड कंपनीज इन इंडिया। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीवर्स में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन तीनों को एक साथ दबाइए। बाकी इस टाइप के वीडियोस का रेगुलर अपडेट पाने का जो जिम्मेदारी है वो हम पे छोड़ दीजिए। सो दोस्तों, आज का जो हमारा रैंकिंग वीडियो है उसमें से पहले नंबर पर ही आता है आंध्र प्रदेश स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक लीडिंग सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट में से एक है। ये जो आंध्र प्रदेश स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 मार्च 1976 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आंध्र प्रदेश में ही सिचुएटेड है। दूसरे नंबर पर जो कंपनी है उसका नाम है जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड और जेके सीड्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है। दिस कंपनी वेल नोन फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1989 को। दोस्तों, हमारे रैंकिंग वीडियो के तीसरे नंबर पर जो सीड्स कंपनी आता है उसका नाम है कालास सीड्स लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था 31 जनवरी 2011 को और यह स्थित है महाराष्ट्र के जालना में। इट इज अमोंग द टॉप 5 वेजिटेबल सीड कंपनीज इन इंडिया एंड दिस कंपनी अचीव लीडरशिप इन बीटरूट, अनियन, मस्कमेलन, ब्रोकोली एट्सेट्रा। चौथे नंबर पर आता है कावेरी सीड लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था तेलंगाना में। ये फॉर्मरली इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1986 को एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल सीड कंपनीज इन इंडिया। पाँचवें नंबर पर जो कंपनी आता है उसका नाम है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड और क्रिपको। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में स्थित है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1980 को और ये कंपनी मेनली यूरिया, बायोफर्टिलाइजर, एमोनिया, आर्गन एवं विभिन्न तरह के हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन करता है और इसका जो मेन प्लांट है वो सिचुएटेड है गुजरात के सूरत में। छठे नंबर पर जो कंपनी आता है उसका नाम है कृषि धन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 को। इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंदौर में स्थित है एंड जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो पुणे में स्थित है। दिस कंपनी नाउ एमर्ज्ड एज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज। इस कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है उसमें से मेनली पैडी सीड्स, कॉटन सीड्स, सरगम सीड्स, वेजिटेबल सीड्स, सनफ्लावर सीड एंड ऑल्सो हाइब्रिड सीड्स। दोस्तों, सातवें नंबर पर जो सीड कंपनी आता है उसका नाम है महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और MAHYCO। दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सीड। इसका स्थापना हुआ था 1964 को। द कंपनी प्रोड्यूसेस सीड्स ऑफ कॉटन, व्हीट, राइस, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, मेज, ऑयल सीड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। आठवें नंबर पर आता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था मार्च 1963 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोमोट एंड डेवलप सीड इंडस्ट्री इन द कंट्री। ऑल्दो ये वेरियस टाइप्स ऑफ सीड्स को सप्लाई करता है बट मेनली ये फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करता है। नौवे नंबर पर आता है नुजीवेदु सीड्स लिमिटेड। इसका फाउंडेशन हुआ था 1973 को। ये लीडिंग एग्री बिजनेस कंपनी एंड लीडिंग हाइब्रिड सीड कंपनी में से एक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में स्थित है। दसवें नंबर पर आता है राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। राशि सीड्स प्रोड्यूस कॉटन सीड। द कंपनी लीडिंग नेम इन कॉटन हाइब्रिड रिसर्च एंड ऑल्सो लीडिंग इन मल्टी सीड ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि आप अगर इनमें से किसी भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले गूगल पे नुजीवेदु सीड्स सर्च कर लिया, उसके बाद पहले नंबर पर जो है उस पर टैप किया और ये हाइपरलिंक हम लोगों को नुजीवेदु सीड्स का जो मेन वेबसाइट है उसमें रिडायरेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये दोस्तों साइट है और ये पहले हम इसे डेस्कटॉप साइट पे सेट कर लेते हैं और इसके बाद ये वाला क्या है। उसके बाद नीचे जो ऊपर में ही रहेगा, अगर ऑप्शन के पास रहेगा तो ठीक है, नहीं तो करियर सेक्शन में जाना पड़ेगा। ऊपर कहाँ है करियर सेक्शन, यहाँ पे है करियर सेक्शन ऊपर। तो दोस्तों, हम लोग करियर सेक्शन पे टैप कर लिया। तो दोस्तों, हम लोग अभी करियर सेक्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कुछ, आर यू रेडी टू टेक योर करियर टू नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ मार्क योर अपडेटेड सीवी टू करियर्स नुजीवेदु सीड्स डॉट कॉम। तो आप यहाँ पे ये जो ईमेल दिया हुआ है इनमें आपका सीवी जो है वो सेंड कर सकते हैं इन लोगों को। यहाँ पे कुछ जॉब अभी ओपन भी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, टेरिटरी इंचार्ज, रीजनल इंचार्ज और ये जॉब डिटेल्स भी दिया हुआ है यहाँ पे। आप इस पे लिंक, हाइपर लिंक पे टच करके आप डिटेल्स देख सकते हैं जॉब का जो डिटेल्स है अभी।
तो फिलहाल अभी 3 ही पोस्ट ओपन है, आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ये जॉब डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं टेरिटोरी इंचार्ज का जो है अभी ओपन है उसमें देखते हैं। इसमें डेजिग्नेशन है एरिया मैनेजर का वैकेंसी है, और ये क्या क्या क्वालिटी क्वालिफिकेशन चाहिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो इस पर बैक करते हैं। अभी ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का जो है वो वाला देखते हैं इसमें क्या है। ये पहले डाउनलोड किया था मैंने फाइल, और ये यहाँ पे डेजिग्नेशन है ऑफिसर और सीनियर ऑफिस है ये, और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या रिक्रूटमेंट है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब वहाँ पे जो अप्लाई सेक्शन है वहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा भी अगर जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है आप HR को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट आज का सेक्शन है तो आप उनमें टैप करके जो कॉन्टैक्ट के जो नंबर वगैरह है वो देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस, और ईमेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि अभी कोई वैकेंसी वगैरह चल रहा है या नहीं, फ्यूचर में कोई वैकेंसी आएगा या नहीं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसे बीच बीच में ये वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि कोई वैकेंसी वगैरह आया है कि नहीं, या तो नंबर वगैरह है तो उनमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीफर्ट्स में नए आए हैं तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू रियली लव एग्रीकल्चर, द बैकबोन ऑफ इंडिया। थैंक यू।